नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री राम। राम राम साहब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे साथ एग्जाम पार अब की बार। एग्जाम पार अब की बार चैनल को देख रहे हैं आप। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, हम जो हमारी किताब चल रही है वो राजस्थान अध्ययन की किताब चल रही है, 10वीं क्लास की, और वन लाइनर के फॉर्म में हम इसको पढ़ रहे हैं। अब तक हम कक्षा 6, 7, 8 की हमारा राजस्थान नाम की किताब को पढ़ चुके हैं। कक्षा 10 के भी पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने ये दोनों पार्ट और कक्षा 6, 7, 8 की किताबों को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। आज हम तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं और तीसरे पार्ट का नाम है राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले। कक्षा 10 की किताब का तीसरा पार्ट है, टॉपिक का नाम है राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गणगौर की सवारी में ईसर जी किसका प्रतीक है? तो शिव जी का प्रतीक है। किस विदेशी इतिहासकार ने गणगौर की सवारी का रोचक वर्णन किया है? तो कर्नल जेम्स टॉड है, एक जो विदेशी साहित्यकार है राजस्थान में, कर्नल जेम्स टॉड ने किया है। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान में 30 कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की प्रसिद्ध है। बूंदी का काजली तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। होली का त्योहार कब मनाया जाता है? तो फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है होली का त्योहार। राजस्थान में कुड़ामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कुड़ामार होली जो है राजस्थान में भिनाए की प्रसिद्ध है, भिनाए अजमेर जिले में पड़ता है। राजस्थान में कुड़ामार होली भिनाए भिनाए की प्रसिद्ध है, भिनाए अजमेर की। लट्ठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो श्री महावीर जी की प्रसिद्ध है लट्ठमार होली। शेखावाटी की होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गीदड़ नृत्य किया जाता है शेखावाटी में। पत्थरों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है, कहाँ खेली जाती है? तो बाड़मेर में खेली जाती है पत्थरों की होली। बाड़मेर में होली के अवसर पर किसकी बारात निकाली जाती है? तो इलोजी की बारात निकाली जाती है। इलोजी जो है होलिका के मंगेतर थे, यानी कि होलिका की शादी इलोजी से होने वाली थी। इलोजी बारात लेकर होलिका के यहाँ पर जाने वाले होते हैं। तो जब बारात लेके पहुंचते हैं, उससे एक रात पहले होलिका होली में जल चुकी होती है। वही होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी और प्रहलाद की बुआ थी, जिसको प्रहलाद को जलाते समय पर जिसकी मृत्यु हो गई थी, उससे इलोजी की शादी होने वाली थी। लेकिन इलोजी ने जब जाके पता चला कि होलिका तो जल के मर चुकी है, तो इलोजी उसकी गर्म राख में लोटपोट हो गई थी उसके उनके प्रेम में। तो उस दिन इलोजी की वजह से, जो इलोजी राख में लोटपोट हो गए थे, तो उस दिन धुलड़ी मनाई जाती है। बाड़मेर में होली के अवसर पर इलोजी की झांकी निकाली जाती है, इलोजी की बारात निकाली जाती है। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? तो वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, जिसे अखतीज भी कहते हैं। बीकानेर की स्थापना कब हुई थी? तो अक्षय तृतीया को ही हुई थी। जैनों का सबसे बड़ा पवित्र एवं महत्वपूर्ण उत्सव कौन सा है? तो वो है प्रदूषण। भादों के महीने में आता है, भाद्रपद में आता है। प्रदूषण का अंतिम दिन क्या कहलाता है? तो वो संवत्सरी कहलाता है। संवत्सरी कहलाता है प्रदूषण का अंतिम दिन। मुसलमानों के किस त्योहार को बकरा ईद कहा जाता है? तो ईदुल जुहा को बकरा ईद कहते हैं। रमजान के अवसर पर किसकी याद में ताजिए निकाले जाते हैं? तो हुसैन इमाम की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। अन्नकूट का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो नाथद्वारा के अंदर अन्नकूट का मेला आयोजित होता है। वेणेश्वर मेला कहाँ लगता है?
तो डूंगरपुर में लगता है भेणेश्वर मेला, जिसे अर्धकुंभ भी कहा जाता है या आदिवासियों का अर्धकुंभ कहते हैं। सहारिया जाति का कौन सा मेला वारा में आयोजित होता है? तो वो होता है सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला वारा जिले में पड़ता है, जो सहारिया जाति के लिए का मेला है। पुष्कर में मेले का आयोजन कब होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को होता है। पुष्कर मेले की कौन सी परंपरा इसे विशेष बनाती है? तो दीपदान की परंपरा बनाती है। उस दिन पुष्कर झील में दीपक जलाए जाते हैं। जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो रेवाड़ा सीकर के अंदर स्थित है जीण माता का मंदिर, रेवाड़ा में। जीण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हठड़ ने कराया था। खाटू श्याम जी का मेला कहां पर लगता है, कब लगता है, सॉरी, खाटू श्याम जी का मेला कब लगता है? तो फाल्गुन शुक्ल दशमी को लगता है और सीकर के अंदर लगता है। भरतहरी का मेला कहाँ लगता है, कहाँ लगता है? अलवर में लगता है। भरतहरी का मूल नाम क्या था? गोपीचंद नाम था उनका। कल्याण जी का मेला किस राजा की स्मृति में आयोजित होता है? तो चंद्रगिरी राजा की, चंद्रगिरी राजा डिग्व की स्मृति में कल्याण जी का मेला लगता है। डिग्गीपुरी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो टोंक की मालापुरा तहसील में, टोंक के मालापुरा तहसील में डिग्गीपुरी का मेला लगता है। श्री महावीर जी का मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो चंदन गांव करौली के अंदर होता है। बीकानेर के शासकों की कुलदेवी कौन सी है? तो करणी माता है, चूहों वाली माता। बीकानेर के शासकों की कुलदेवी है। चूहों का मंदिर कहां पर स्थित है? तो देशनोक के अंदर है। करणी माता का मंदिर भी देशनोक में ही है, जिसे चूहों का मंदिर भी कहते हैं। शीतला माता का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो सील की डूंगरी में होता है, सील की डूंगरी गांव में, चाकसू तहसील जयपुर जिले में। किस देवी के मेले को बैलगाड़ियों का मेला कहा जाता है? तो शीतला माता के मेले को ही बैलगाड़ियों का मेला कहा जाता है। शीतला माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो माधव सिंह ने कराया था। शीतला माता का को उत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो महामाई के नाम से उत्तर भारत में जानते हैं। शीतला माई को उत्तर भारत में महामाई के नाम से जानते हैं। शीतला माता को पश्चिमी भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो माई अनासा अनामा के नाम से, माई अनामा के नाम से पश्चिमी भारत में शीतला माता को जानते हैं। शीतला माता को राजस्थान में अन्य किस नाम से जानते हैं? तो सैंडल माता के नाम से जानते हैं। केला देवी का मेला कहां पर आयोजित होता है? तो त्रिकूट पर्वत पर आयोजित होता है, करौली जिले के अंदर। करौली जिले के अंदर त्रिकूट पर्वत पर आयोजित होता है, करौली से 20-21 किलोमीटर दूर। कैला देवी मंदिर के सामने स्थित हनुमान जी के मंदिर को किस नाम से पुकारा जाता है? तो लटोरिया जी का मंदिर कहते हैं उसे, लांगुरिया जी का, सॉरी, लांगुरिया जी का मंदिर कहते हैं, लांगुरिया हनुमान का मंदिर या लांगुरिया जी का मंदिर कहते हैं। केला देवी को किसका अवतार माना जाता है? तो केला देवी को श्री कृष्ण की बहन योग माया का अवतार माना जाता है। वो बहन जो कंस, जिसको आठवीं देवकी की आठवीं संतान समझ के मार रहा था और उसके हाथ से छूट गई थी योग माया, उनका अवतार माना जाता है केला देवी को। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, कपिल मुनि का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये कुलायत बीकानेर के अंदर आयोजित किया जाता है। ख्वाजा मुनुद्दीन चिश्ती की दर का मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? ख्वाजा मुनुद्दीन चिश्ती मूल रूप से कहां के निवासी थे? तो ये गरीब नवाज के निवासी थे, सॉरी, ईरान के निवासी थे। गरीब नवाज तो इन्हें कहा जाता था। ख्वाजा मुनुद्दीन चिश्ती को किस नाम से जाना जाता था? गरीब नवाज के नाम से जाना जाता था। जबकि ख्वाजा मुनुद्दीन चिश्ती मूल रूप से कहां के निवासी थे? तो ईरान के निवासी थे। अगला क्वेश्चन, ख्वाजा मुनुद्दीन का उर्स कहां पर आयोजित होता है? तो अजमेर के अंदर आयोजित होता है।
और ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती की दरगाह में बड़ी देग किसने चढ़ाई थी? अकबर ने चढ़ाई थी बड़ी देग। और छोटी देग किसने चढ़ाई थी ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती की दरगाह में? छोटी देग किसने चढ़ाई थी? तो जहांगीर ने चढ़ाई थी छोटी देग। सैयद फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? तो गलियाकोट के अंदर है, डूंगरपुर जिले में। सैयद फखरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट में है, डूंगरपुर जिले में। गलियाकोट का उर्स किस समुदाय के लिए धार्मिक आस्था का स्थल है? तो ये बोहरा समुदाय के लिए, बोहरा संप्रदाय के लिए। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो वेणेश्वर मेला है। वेणेश्वर मेले का आयोजन कहां पर होता है? तो ये नवातपुरा गांव में, आसपुरा तहसील में, नवातपुरा गांव में, आसपुरा तहसील और डूंगरपुर जिला, नवातपुरा गांव, आसपुरा तहसील, डूंगरपुर जिले में वेणेश्वर मेले का आयोजन होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, खलकाणी माता गंधर्व मेले का, गंधर्व मेले का आयोजन कहां होता है? तो ये भावगढ़ बांध्या गांव में होता है, जयपुर के अंदर। खलवाड़ी माता गंधर्व मेले का आयोजन, गंधर्व यानी गधा, खलवाणी माता गंधर्व मेले का आयोजन कहां होता है? तो ये बांधवगढ़ बांध्या गांव में होता है, जयपुर के अंदर। तो हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आपने हमारा ये वीडियोस देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल एग्जाम पार आपकी बार अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए, और लाइक और शेयर भी ठोक दें। ठीक है, ओके, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।